थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे की निशानदेही पर 16 बने अधभने अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। इसके अलावा 9 अर्धनिर्मित तमंचे थे। ये दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बिलाल पुत्र जमीरुद्दीन और गुड्डू उर्फ गुलशाद पुत्र ईशुद्दीन, जो रहने वाले सेगे वाला थाना का मुक्तेश्वर के हैं, और दूसरा जो नाजिम कॉलोनी का रहने वाला है। इन दोनों के पास से ये तमंचे बरामद हुए और ये फैक्ट्री बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग छानबीन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये तमंचे बंद करके कहाँ पे बेचे जाते थे। अभी तक पूछताछ में जो पता चला, 7-8 हज़ार रुपये में ये तमंचा बेचा जाता था, और अन्य इनके जो स्रोत हैं, कहाँ से ये जो बेचे जाते थे, किन 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 जिलों में, उसका पता लगाया जा रहा है। अति शीघ्र इस पूरे NHS का जो पूरा भंडाफोड़ किया जाएगा, और इनके जो भी लिंक्स हैं, इनके जो भी अन्य अपराधी जो मतलब गिरोह में, सर और भी लोग शामिल होने के, बिल्कुल ये तमंचा बनाने का काम करते, जो बेचने का काम कोई और भी। सर कहाँ पर ये शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, क्या ऑन डिमांड भी ये शस्त्र बनाते थे? ये स्याना चोपला से जब हम लोग बहादुरगढ़ की तरफ चलते हैं, तो वहाँ से 700-800 मीटर दूर एक खंडार नुमा का एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में ये अपना फैक्ट्री संचालित करते थे।